हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे देखो सीखो एजुकेशन चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है देखो सीखो डॉट गुरु और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। हमारे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1970 में पहला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष यह दिवस किस विषय के तहत मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना डेटा जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार भारत का कच्चा तेल उत्पादन कितने मिलियन टन तक गिर गया है? इसका सही उत्तर है 30.5 मिलियन टन। 2019-20 में यह 32.17 मिलियन टन था। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हर साल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, माउंट अन्नापूर्ण जो कि नेपाल में स्थित है, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है प्रियंका मोहिते। तो दोस्तों, अपने पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। मिगुएल मोरियो डियाज कैनेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है क्यूबा। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला कवि शंख घोष का निधन हुआ है, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चांदपुर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। उन्हें कुछ कृतियों में विशिष्ट पहचान मिली थी। इनकी ये कृतियां हैं, आदि लता, गुलमोमियम और मूर्ख बारो समधिक न्याय। बाबरेर प्रार्थना के लिए 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2011 में पद्म भूषण, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में नई मिसेज वर्ल्ड 2020 किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कैट श्राइडर, जो कि आयरलैंड की है। इससे पहले मिसेज वर्ल्ड 2020 कैरोलिन ज्यूरी को घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कैट श्राइडर जो कि पहली रनर अप थी, उन्हें मिसेज वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 24 अप्रैल को संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है बिहार। इस योजना के बारे में हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। इस योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके भूमि संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। गाइस, अगर आप इस कंटेंट को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, देखो सीखो डॉट गुरु, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।